इसराइल हमास युद्ध के महीनों बीत जाने के बाद भी संघर्ष जस का तस बना हुआ है। वार पलटवार से सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तो लाखों बेघर हुए। ये खूनी जंग हर दिन एक नई तबाही की दास्तान लिखती जा रही है। इसराइल हमास युद्ध से ऐसा कोहराम मचा है कि इसकी जद में पूरा मिडिल ईस्ट आ गया है। गाजा में इजरायली सेना कमजोर पड़ रही है, या यूं कहें कि युद्ध ने इसराइल हमास दोनों को एक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों एक दूसरे के खात्मे की कसम खाए हुए हैं। इसराइल को जहां अमेरिका का साथ मिल रहा है, जबकि हमास को इराक से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर यमन के विद्रोही लड़ाकों का भी समर्थन मिल रहा है। ईरान समर्थित ये सभी संगठन अब एक होकर इसराइल पर हावी हैं। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल कर दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एलेट शहर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला किया। यह ऑपरेशन फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के समर्थन में और इसराइल से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत किया गया। प्रतिरोध ने इसराइल के गढ़ों पर हमला जारी रखने की कसम भी खाई है। बता दें कि इराक के इस्लामी प्रतिरोध का हालिया हमला हूती विद्रोहियों के साथ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा के बाद आया है, जो इराकी प्रतिरोध के साथ किए गए थे। इसमें 4 इसराइल के जहाज तो एक अमेरिकी युद्धपोत आइजन हावर को निशाना बनाया गया था। ونفذت القوات الصاروخيه في قواتنا المسلحه عمليه استهداف لحامله الطائرات الامريكيه ايزن هاور شمالي البحر الاحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله। इस्लामिक प्रतिरोध एक दूसरे सैन्य अभियान में भूमध्य सागर में हाइफा के कब्जे वाले बंदरगाह के रास्ते में शॉर्ट हॉर्न एक्सप्रेस जहाज को निशाना बनाया था। दोनों ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। प्रतिरोध ने दावा किया कि टारगेट पर सीधे और सटीक हमले किए गए। यमन आर्म्ड फोर्स ने दावा किया कि वे फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और जीत में इराकी प्रतिरोध के साथ सहयोग करना और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को चलाना जारी रखेंगे। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इजरायल गाजा में हमलों को बंद नहीं कर देता और नाकाबंदी हटा नहीं लेता। ان القوات المسلحه اليمنيه بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكريه اسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزه। बता दें कि इराक के इस्लामिक प्रतिरोध तब से इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहा है जब से इजरायल ने अक्टूबर की शुरुआत में गाजा पर नरसंहार युद्ध शुरू किया था। गाजा में इसराइल के खून खराबे को मिल रहे अमेरिकी समर्थन से प्रतिरोध तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि इराक और पड़ोसी सीरिया में इस्लामिक प्रतिरोध ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी जोरदार हमला कर बड़े नुकसान का दावा किया है। इसके साथ ही इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका को बुरे अंजाम झेलने की चेतावनी भी दे डाली है। इसराइल के खिलाफ इराक के इस्लामिक प्रतिरोध के रवैये को देखें तो वह काफी उग्र हो गया है। समूह के लड़ाके ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक का इस्तेमाल कर इसराइल पर हमला कर रहे हैं। समूह ने इसराइल को चेताया है कि वह इसराइल के खिलाफ लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। उसके लड़ाके एडवांस हथियारों से लैस हैं, जो इसराइली बलों के लिए काल बन गए हैं। इसराइली सेना पर हो रहे इस चरमपंथी गुट के हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ चुका है।